तो फ्रेंड्स, पापा जो सब्जी दिए थे ना, आज सब उसको ख़त्म कर रहे। ये रहा बीन्स, सब चॉप कर लिए, थोड़ा बहुत था, बाकी सब चॉप करके रख देंगे। रात को अभी कल सुबह हो जाएगा। और ये थोड़ा सा जो कांकड़ दिए थे ना, थोड़ा सा पक गया है, जो साइड में रख दी, इसको मैं फ्राई करके खा लूँगी। और ये अच्छा वाला कांकड़, इसको भी चॉप कर रही हूँ, इसको तावा फ्राई करूँगी। तो ऐसे बीच से ना बस दो दो पीस कर लिया है। और सब अभी कर लिए चॉप सुपरमैन। और घंटों बनाऊँगी। तो इधर जो ब्रिंजल दिए थे ना, ब्रिंजल भी ख़त्म हो गया है, बस थोड़ा सा था, तो इसको घंटों में डालूँगी। थोड़ा सा गवार था और पटाटो और अरबी माँ लेकर आए थे, वो सारे देकर। और ये जो चना डालती हूँ ना, ये बटानी, इसको देकर बनाऊँगी घंटों। और ये ब्रिंजल को फ्राई करूँगी। आज सारे सब्जी को मैं ख़त्म कर लूँगी, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। और कुकर बिठा दी, घंटों बना रही हूँ अभी सब फ्रेंड्स, उड़िया घंटों। और सैटरडे है तो लास्ट क्लास हो रहा है बाबू का, आज हाफ डे है बाबू को, और क्लास नहीं है इसके बाद। और अभी सब्जी काटते काटते नीचे से ऊपर आ गए और मेरी ब्लॉग देख रहे थे, अभी देख रहे न्यूज़। ये हाइब्रिड नहीं है, ये देसी कांकड़ बोलते हैं, छोटा छोटा कंटोला। कंटोला तो इधर बोलते हैं, हिंदी में नहीं बोलते। हिंदी में कंटोला बोलते हैं। अच्छा, मैं बोली कन्नड़ा में कंटोला बोलते। अच्छा फ्रेंड्स, ये कांकड़ नहीं है, ये कंटोला है हिंदी में। तो ये कौन आया, अभी देखते कौन आया। नाम स्वरूप, 15 स्वरूप का 9 थैंक यू। ओके थैंक यू। तो फ्रेंड्स, अभी बीबीएमपी से आए थे, डोर टू डोर सर्वे हो रहा है कि सब वैक्सीनेटेड हो गए कि नहीं, सब ने ले लिए कि नहीं, कौन सा क्या लिए है। तो हम तो लकीली हो गए, तो हाँ हो गया करके बोले। तो सबको पूछते। तो चलो आगे, मैं अभी घंटों बना रही हूँ और बाबू का तो क्लास हो रहा है। और हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, मैं हाय ही बोले नहीं। अभी 1:40 हो रहा है, इतने दूर से तो मेरा वो छोटा सा घड़ी आपको दिखाई नहीं देगा, फिर भी मैं बोल रही थी 1:40 हो रहा है और बाबू का लास्ट क्लास। मैं ना अभी कंफ्यूज हो रही हूँ, तो अभी भी मैं आज भी ना 1:80 बोलने वाली थी। चलो अभी धुआं निकल गया, क्योंकि उनके साथ थोड़ी देर बात कर ली ना, तो धुआं निकल गया। तो मैं आकर गैस को पहले बंद की, थोड़ा सा ऑयल ठंडा होने के बाद मैं बनाऊँगी घंटों। और राइस तो हो गया है वहाँ पे, आज राइस भी हो गया है। और आज दाल नहीं बनाऊँगी, घंटों बनाऊँगी। मैं पखाड़ा खाऊँगी और ये ब्रिंजल फ्राई करूँगी और घंटों उनके साथ वो सब खा लेंगे। तो पखाड़ा खाएंगे कि सूखीला खाएंगे? सूखीला नहीं, ड्राई खाएंगे, मतलब पखाड़ के अलावा वो क्या बोलते हैं उसको, जो क्या बोलते पखाड़ो, पखाड़ो बिना पखाड़ो के आज वो खाएंगे, क्या करेंगे मालूम नहीं। पर आज दाल नहीं बनाऊंगी और थोड़ा सा दाल फ्रिज में है, उसको ही हम लोग यूज़ कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, सरसों का तड़का लगाएंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दूंगी। अब डालूंगी मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट को अच्छे से फ्राई करूंगी, भूनूंगी और स्मेल जाने तक। अब ये टमाटर और ये जो मटर डाल दूंगी। अब डालूंगी इसमें सारे वेजिटेबल, गवार, ब्रिंजल और पटाटो और बीट। अब इसमें और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालूंगी, पहले डाली थी इसलिए। और चिली पाउडर डालूंगी और नमक डालूंगी और थोड़ा सा धनिया पाउडर डालूंगी। अब इसको अच्छे से मिक्स करूंगी, मिक्स करके 4 से 5 मिनट भूनूंगी, उसके बाद पानी दे दूंगी और 2-3 सीटी लगा दूंगी, फिर हो जाएगा रेडी ओड़िया घंटों। ब्रिंजल में डालूंगी नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, जरा सा चिली पाउडर। बस अभी इसको मिक्स करके तवा फ्राई करूंगी सरसों का तेल से। तो हथेली में बस थोड़ा सा पानी लूंगी, डालूंगी, अब इसको मिक्स करूंगी अच्छे से। हाँ, सारे सब्जी जो पापा दिए थे ना, सबको आज ख़त्म कर दी मैं। अब सब्जी भुन गया है, अब पानी दे दूंगी, 2 ग्लास करीब पानी देंगे। लगा के
दो सिटी लगा दूंगी। और ये तेल गरम हो गया है, अब ग्रिंकर डाल के फ्राई करेंगे। अभी खा रहे, पापा लेकर आए थे बाबा चॉकलेट सोन पापड़ी। मैं भी खाई ना दो, बहुत टेस्टी लग रहा है। अभी के बर्थडे पे लेकर आए थे, जो उस दिन तो मालपुआ भी लेकर आए थे और ये भी लेकर आए थे। बाबू कुछ कुछ ना छोड़ रहे। घुस दीजिए पूरा पिला। बाबू का क्वेश्चन आस्क किए मैं हमने, तो सारे आंसर मेरे बाबू ने दे दिए। वेरी गुड बाबू, वेरी गुड। ओके बेटा, 6 स्माइल लगा, एक्स्ट्रा 1 लगा बाबू को। बाबू को स्माइल एक्स्ट्रा 1 चाहिए मैम से। गुड बॉय। ये पूरा खा लिए सोन पापड़ी, मेरे बच्चों के लिए भी रखो। ये माँ सब खाई दे ले लो भगवान। ये मैं पिला पूरे पैकेट खा लिए, मैं बस एक पीस खाई थी बैठ के, मेरे बच्चों के लिए बस इतना ही रखे। देखो नहीं, पापा ने खाए, तू नहीं खाया। ले 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 ले, रख दिया मैं तुम्हारे लिए, दीदी के लिए, ठीक है। चलो अभी इधर रखती हूँ, खाएंगे बच्चे का क्लास खत्म होने के बाद। और ये ब्रिंजल फ्राई हो गया है, यस हो गया है। और ये कॉन्टल चॉप करना भी हो गया है। और ये रहा बीन्स, और ये थोड़ा थोड़ा पक गया था वो कॉन्टल, इसको मैं फ्राई करके खा लूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है, फेंकूँगी नहीं। तो सारे सब्जी आज ख़त्म, पूरा देखिए पूरा सब्जी का जो बास्केट है ना, सब्जी का बास्केट नहीं, फ्रिज का जो बास्केट है ना, वो पूरा खाली, थोड़ा सा परवल है, हाँ थोड़ा सा परवल है बस वही है, बाकी पूरा खाली। और त्रिशा खा रही है अभी सोन पापड़ी, चॉकलेट सोन पापड़ी। हाँ तो पूरा, हाँ खा बा, बोल खाइला, पापा सब खाई दीजिए अधर उधर। बाकी तो खाई ली, तो भल लगला, टेस्टी अच्छी, फिर से लेकर आएंगे, ठीक है, अच्छा लग रहा है तो खा ले। सोन पापड़ी खा रही हूँ। सोन पापड़ी शुगर और मैदा से ही हुआ होगा, मुझे मालूम नहीं कि सोन पापड़ी, मुझे लगता है कि मैदा और शुगर से होता है। तो फ्रेंड्स किसको अगर मालूम है तो बोलिए, सोन पापड़ी किससे होता है? मेरी सोन पापड़ी, सोन पापड़ी नहीं, मैं पापड़ी बोल रही थी, अभी बोले पापड़ी नहीं रे पागली, पापड़ी। तो सोन पापड़ी किससे होता है बोलिए, मेरी बेटी का क्वेश्चन है कि सोन पापड़ी किससे होता है। देखिए घाट तो हो गया है, अब बच्चों को खाना भी दे दूंगी मैं। तो ये रहा आज हमारा लंच, भातो ब्रिंजल फ्राई और घंटो। बच्चे अभी खाएंगे, हम थोड़ी देर के बाद खाएंगे अभी। और में तो फ्रेंड्स आज अभी पखाड़ खा कर ऑफिस जाएंगे, संडे को गरम पखाड़ बना ली। और बीन्स ये क्या कंट्रोल, कल जो काट, हाँ कल जो चॉप करके रखी थी ना, सुबह सुबह फ्राई कर दी, और रात को कल बना था आलू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और कल और ब्लॉग एंड नहीं कर पाई आज संडे पर, संडे आज संडे के जैसा नहीं लग रहा है, क्योंकि आज हबी का इम्पोर्टेंट, हबी का आज काम है, तो वो जाएंगे ऑफिस कल, इसलिए छुट्टी मिल जाएगा उनको। तो उनको करने दीजिए पखाड़ा एंजॉय। और आज ऑफिस में लंच है उनका, आ जाएगा उनका लंच, तो लंच देने का जरूरत नहीं है। और फ्रेंड्स ये वाला ब्लॉग लास्ट संडे का है, मैं एडिटिंग ही नहीं कर पा रही थी, ब्लॉग था तो
तो आज फाइनली मैं एडिटिंग करके दे रही हूँ, तो आप एंजॉय कीजिए आज का ब्लॉग, संडे का ब्लॉग आज एंजॉय कीजिए, ठीक है? फिर कल फिर से संडे आ जाएगा। दिशा तो पढ़ाई कर रही है, उठ गई थी सुबह सुबह, उठ के पढ़ाई कर रही है। अभी टाइम हो रहा है देखिए 8:45, और मैं और थोड़ा काकड़ फ्राई की हूँ, उनको जल्दी दे दी, बस अभी बंद करूंगी, गैस हो गया है। और फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड पूछते हो आप लोगों की, रश्मि आपका काले घने हेयर का राज क्या है, आपका प्लीज हेयर केयर रूटीन दिखाइए, आप क्या शैम्पू यूज करते हो, कौन सा हेयर ऑयल यूज करते हो, प्लीज बताइए करके। तो मैं आज बताऊंगी मैं कौन सा हेयर ऑयल यूज करती हूँ और कौन सा शैम्पू यूज करती हूँ। और मैं हमेशा से ना स्किन में हो या फिर चाहे मेरी हेयर में हो, नेचुरल प्रोडक्ट ही यूज करना प्रेफर करती हूँ, मुझे पसंद भी है, यही है मेरे घने और काले हेयर का राज। अब मैं बहुत दिन से ना एक ऑयल यूज करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिला है, मैं वो ऑयल दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, ये है वो ऑयल, स्टामियो का आमला भृंगराज हेयर ऑयल। मैं अब ये बहुत दिन से ये यूज करती हूँ, देखिए बहुत अच्छा मुझे रिजल्ट भी मिल रहा है, और इसमें कोई भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट नहीं है, जैसे कि सल्फेट, मिनरल ऑयल और पाराबेन, ये कुछ भी नहीं है इनमें से, पूरा ऑर्गेनिक चीज से बना है, जैसे कि आमला, भृंगराज, नीम, ब्राह्मी, बादाम, रोगन, यस्ति मधु, नील पुष्पा, जटा मानसी। और ये जो आमला का भृंगराज ऑयल है ना, ये तीन प्रकार की ऑयल से बना है, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल और तिल का ऑयल। और आपको तो मालूम है, मैं पहले से ही बोली हूँ आपको कि मैं तिल का ऑयल, मैं हमेशा से बचपन से मेरे मम्मी ने इतना बड़ा बड़ा कटोरी में लेकर बालों में लगाते थे, और मुझे तिल का ऑयल बहुत पसंद है, मैं हमेशा तिल ऑयल नहीं तो कोकोनट ऑयल ही लगाती हूँ। और एक अच्छा है ना कि इसमें ऑलिव ऑयल भी मिक्स है, तो बहुत अच्छा है। और इसका इस्तेमाल करने से बालों का ना हेयर फॉल कम होता है, बालों का झड़ना कम होता है और डैंड्रफ कम होता है, और ये लगाएंगे तो हेयर ग्रोथ भी अच्छे से होता है, और हेयर ना जल्दी ग्रे नहीं होता है, और बालों को दो मुआ होने से भी बचाता है। तो देखिए कितने सारे फायदा है ये एक ही ऑयल से। अब बात है कि अब ये ऑयल को कैसे हम यूज करेंगे, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगी, मैं खुद लगा के बताऊंगी कि ये ऑयल कैसे यूज करते हैं। तो ये देखिए, ये है ऑयल, इस टाइप का बोतल में आता है, और आप इसको पाम में भी लेके लगा सकते हैं, नहीं तो ये अच्छा एप्लीकेटर भी दिया है ये ऑयल में। ये देखिए, इसको आपको इस तरह से लगाना है ऑयल की बोतल में, फिर इसको आपको पूरा बालों का रूट से लगाना है, बहुत ही इजी तरीका से ये लगेगा, और पूरा स्काल्प से आप लगा सकते हैं इसको। तो मुझे तो काफी अच्छा लगा ना इसको एप्लीकेटर के साथ लगाना, देखिए कितना अच्छे तरीका से लग जाता है, ऐसे भी लगा सकते हो, और नहीं तो आप इसको खोल के पाम में ले सकते हो इसे, ठीक है, थोड़ा सा ऑयल लीजिए, फिर आप इसको फिंगर टिप में डिप करके 4-5 मिनट अच्छे से मसाज करिए, और आप इसको रात में ही लगा देना है, और सुबह शैम्पू करना है, और शैम्पू किससे करना है वो भी बताऊंगी मैं। और शैम्पू किससे करना है, शैम्पू करना है स्टामियो का आमला भृंगराज बादाम रोगन से, ठीक है, ये शैम्पू बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, मैं अभी कुछ दिन से यही शैम्पू यूज कर रही हूँ, और ये शैम्पू भी एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, और इसमें आमला, नीम, तुलसी, अरीठा, सिकाकाई, बादाम रोगन, महाभृंगराज ऑयल, ऑलिव ऑयल, ऐसे ही चीजों से ये शैम्पू बना है, इसमें भी कोई सल्फेट, मिनरल ऑयल और पाराबेन नहीं होता है, और इसको भी यूज करना बहुत ही सिंपल है, जैसे हम लोग शैम्पू करते हैं बालों को गीला करना है पहले, तो इसको आपको ऐसे पाम में लेना है, ये देखिए, ठीक है फ्रेंड, देखिए ऐसे पाम में लेना है, और कितना अच्छा खुशबू है, तो ऐसे पाम में लेके थोड़ा सा पानी आपको मिला, ऐसे मसाज करना है पहले, फिर उसके बाद शैम्पू कर देना है, और ये ऑयल और ये शैम्पू आपको वीकली 2 टाइम करना है, 2 टाइम्स, ठीक है, तो ये रात में आप मसाज करके छोड़ देंगे ना तो अच्छा है। मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि ऑयल जब आप मसाज देते हो ना तो कुछ घंटा रखना है, तो बालों में अच्छा फर्क पड़ता है उससे, तो आप अच्छे से रात को मसाज कर दीजिए और सुबह आप शैम्पू कर दीजिए। मैं देखिए अभी पूरा अच्छे से और मसाज कर दूंगी, फिर उसके बाद सुबह
मैं शैम्पू करूंगी। आप भी ऐसे कीजिए फ्रेंड, इससे आपको काफी फायदा होगा। और जो जो फ्रेंड्स को ये स्टामियो का आमला ब्रिंगराज ऑयल और स्टामियो का आमला ब्रिंगराज शैम्पू चाहिए, मैं मेरी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, आप चेक कर सकती है और अमेजन से, फ्लिपकार्ट से या purple.com से आप मंगा सकते हैं। सबके लिए तो पखाड़ा है, कुकर में पखाड़ा बना के रेडी, और भजा पखाड़ के साथ दिन चालू भजा। संडे लंच नहीं, संडे ब्रेकफास्ट होगा हमारा, और लंच में कुछ बनेगा अभी तो नहीं, 11-12 बजे बनेगा। तो के ना गया सुबह सुबह यहाँ पे रखी हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे बैठा है अंबूर बिरयानी, आज कढ़ाई में कर दी मैं, हो गया है अंबूर बिरयानी। आज अभी ढक्कन लगा दूंगी, संडे लंच में है अंबूर बिरयानी। और उसके साथ खाने के लिए चिकन कबाब, बिरयानी के साथ तो कबाब चाहिए और अंबूर बिरयानी के साथ तो चिकन कबाब मस्ट एंड मस्ट चाहिए। तो संडे को तो इतना अच्छा लंच बन रहा है, पर हैप्पी वाला संडे नहीं लग रहा है फ्रेंड्स, इसलिए मैं आज आपको हैप्पी वाला संडे जो बोलती थी ना वो नहीं बोल पा रही हूँ, खुशी नहीं हो रहा है। पूरा घर ना पूरा खाली खाली लग रहा है, क्योंकि हबी नहीं है, जैसे आप सुबह सुबह देखे ना पखाड़ा खा के वो चले गए, उनका आज काम था, तो ये आ गया बाबू देखने के लिए कि मम्मा क्या कर रहा है। और अभी कबाब होने के बाद, हाँ संडे तो क्या होगा, मेरे क्लास में होगा तो मैं ये देख सकता हूँ। हाँ, मम्मा का डांस सुन सुन के देखता था। और कल का ब्लॉग आज तक थोड़ा 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 करके चल रहा है, बिरयानी तो हो गया है, बस कबाब होने के बाद खाना लंच कर लेंगे और ब्लॉग एंड करेंगे, और फाइनली ब्लॉग एंड करेंगे आज। सैटरडे का ब्लॉग संडे तक चला, फिर आज ब्लॉग एंड होगा। और थोड़ा बर्तन पड़ा है, ब्रेकफास्ट में सब पखाड़ा खाए थे, पखाड़ा बीन्स आलू और काकड़, जो क्या बोले अभी कंटोला कंटोला का फ्राई की थी मैं, तो वो खाइए थे, और थोड़ा सा है आपको नहीं खाएंगे, बहुत एक कढ़ाई भर कर मैं फ्राई कर ली थी, खराब ना हो सब्जी, इसलिए कबाब हो गया है, अब निकाल देंगे। और एक बार है डाल देंगे, एक दो बार होगा, छोटा कड़े डाली हो ना इसलिए। ये देखिए बिल्ली आ गई, नहा के शैम्पू किया आज, और किधर तो जाना नहीं है इसलिए घर में ही सू पहन के घूम रही है। जब से ये उसके मामा ने भेजा है ना ये सू, वो घर में ही पहनती है, क्योंकि बाहर किधर जा नहीं रही है इसलिए। तो ले कबाब खा जा, प्लेट आए, हाँ नहीं जा बाबू पहन ले। तो किधर तो जाना नहीं है, तो घर में ही सू पहन के घूमती रहती है, संडे हो गया तो सू निकाल देती है साफ करके, सू पहन के ऐसे घर में टहल लेती है, तो उसको शांति मिल जाता है, सुकून मिल जाता है, ऐसा लग रहा है कि किधर घूम कर आ गई। ले जा तू ले जा। तो अभी फ्राई की ना, तो एक एक पीस खाएंगे कबाब, और फिर मैं ये हो जाने के बाद हम लोग खा लेंगे लंच, फिर वो रख दूंगी बाद में इवनिंग या कल बनाऊंगी, देखती हूँ। यू वांट वन पीस, ले जा खाओ कबाब, मैं और तल के दे रही हूँ, पलाव भी दे देते तुम लोगों को, हो गया साथ में, तुम खाओ वो खाओ, पलाव भी दे देती हूँ, तो दोनों साथ में लंच कर दो। पूरा घर ना आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं, मुझे मेरा तो मूड पूरा ऑफ है, इतना ऑफ है कि मुझे बिल्कुल भी कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है। चिकन ऑर्डर कर देती, बच्चे तो नॉनवेज खाएंगे संडे है करके, तो दे रही हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। बाबा माँ इवनिंग को आएंगे ना, तो ये अभी भी आएंगे, तो मुझे थोड़ा रिलैक्स लगेगा, पूरा सुना सुना लग रहा है, कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा है मेरा। देख तू क्या, चलो मैं ये निकाल के उन लोगों को भी दे देती हूँ बिरयानी, उसके बाद काम करेंगे। बाबू तू भी खा ले, ठीक है। तो चल रहा है दोनों का चिकन कबाब खाना,
चिकन पकौड़ा। किम दीजी, कैसे हुआ है बच्चों? टेस्टी। बिरयानी भी दे देती हूँ, बच्चों को खा लेंगे। जो ये छोटा छोटा राइस, जो गोविंदा भोग राइस होता है ना, जीरा राइस, उसमें बनाई हूँ ये बिरयानी। ये अंबूर बिरयानी ना, उसमें ही अच्छा लगता है। इसका रेसिपी ना मैं और एक बार दी थी, होगा तो उसका लिंक दे दूंगी। आज रेसिपी देने का कुछ मूड ही अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं ऐसे बच्चे नहीं खाएंगे करके मैं बनाई, नहीं तो मैं तो कुछ वो जो पकौड़ा खाई थी, बीन्स फ्राई करी थी ना, मुझे अभी तक भूख नहीं। बस बच्चों के लिए तो कुछ बनाऊंगी, तो इसलिए बनाई। दाद मुझे बिल्कुल अकेला अकेला लग रहा है, हबी नहीं है ना। संडे सैटरडे, सैटरडे तो चलता है, पर संडे को अगर हबी नहीं रहते ना मेरे पास, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं खाऊंगी नहीं ज़्यादा। हबी के मतलब ऑफिस गए हैं ना, इसी दुख में ना मैं बस एक प्लेट ही बिरयानी खाऊंगी, ज़्यादा खाऊंगी नहीं, बना दी हूँ इसलिए खाऊंगी। मेरी बेटी हंस रही है इधर खड़ी है, देखिए। क्योंकि देखिए पापी पेट है, हबी ऑफिस गए या ना गए वो तो उधर खाएंगे, पापी पेट के लिए तो खाना पड़ेगा, इसलिए दुख से ही मैं एक प्लेट बिरयानी खा लूँगी, ज़्यादा नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत मैं दुखी हूँ आज, इसलिए आज दुखी से बिरयानी बनाई और खाऊंगी बिरयानी। पर रेसिपी मैं नहीं दी, रेसिपी का लिंक दे दूंगी। बिरयानी कितने बार मैं दी हूँ मेरी ये हिंदी चैनल में, अगर आप ढूंढेंगे ना एवरी वीक आपको बिरयानी मिलेगा देखने को। चलिए अभी सर्व कर लेती हूँ, बच्चों को दे देती हूँ। चूंट के खा लेंगे बिरयानी। झीक लग त्रिशा बोलिए, झीक लगे मम्मी, झीक लगे। हाँ बेटी झीक लगे, तू भी झीक लेना। देख माँ कितना, बस बस बस, ओके। आज पूरा लेजी डे, तो लेजी डे में हम लोग यही खा रहे आज, लेजी डे भीड़ वाला प्याज टिका टूल मम्मा है ना। प्याज चॉप करेगी ईशा, तो ये भी हो गया, ये थोड़ा टाइम होगा और दो तीन मिनट होगा, और प्याज चॉप करना है, तो ईशा प्याज चॉप कर रही है। तो ये होने के बाद तो कर देंगे हम संडे लंच। हबी क्या हबी बोल रहे, देखो मेरा मुँह से हबी हबी निकल रहे। ईशा चॉप करने के बाद करेंगे संडे लंच, ठीक है। सूप पहन के त्रिशा चॉप कर रही है प्याज। कौन सी सूप मुहूर्त में मामा ने भेजा थे त्रिशा को सूप, अभी सिर्फ मतलब वेट करके बैठी है कि कब मैं बाहर जाऊंगी ये सूप पहनूंगी। हाँ हाँ ना बेटा, कहाँ जाना है? मॉल। मॉल में ही जाकर कब जाएंगे जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये है आज हमारा लंच। तो फ्रेंड्स लेकर आ गए हम लोग लंच, तो चलिए फिर कर लेते संडे लंच। आ बाबू, तो त्रिशा खा के बोलेगी कैसे हुआ है चिकन अंबर बिरयानी। यम्मी है जी, त्रिशा से पहले ही बाबू ने बोल दिया यम्मी है जी, याम हुआ है करके। टेस्टी जी, भला जी खा। बाय बाय कर दे मामा, बाय बाय कर दे। बाय बाय। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर कमेंट, एंड इफ यू न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब। तो फिर बाय बाय फ्रेंड्स। ओके, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, इफ यू न्यू टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब। ये भी बोल दिया, तो दोनों को बात सुन लीजिए। तो बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। संडे सब एंजॉय करो, ठीक है, सब एंजॉय करो। अभी ये ब्लॉग जाने के बाद तो संडे खत्म हो जाएगा, फिर भी नेक्स्ट संडे आएगा, उसके बाद संडे आएगा, जितना भी संडे आएगा आप एंजॉय करो, ठीक है। हम भी एंजॉय करते हैं, ये संडे से चला गया है, तो अभी मैं यम यम बिरयानी खाऊंगी, अभी नहीं है इस खुशी में, ठीक है फ्रेंड्स।
बहुत दुखी हूँ मैं, इसलिए इतना ही बिरयानी लेकर आई हूँ, ज़्यादा लेकर आई ही नहीं हूँ, मुझे खा ही नहीं पाऊँगी मैं। तो थोड़ा सा कबाब लेंगे, कबाब कितना अच्छे से टेंडर हुआ है देखिए, वो यम 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 और हाँ पूरा टेंडर, बाबू बोल रहे पूरा टेंडर। बिरयानी में मिक्स करेंगे कबाब को, बाबू अपना प्लेट ले गया उधर, वो वहाँ पे बैठ के खाएगा, उसको यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, फिर इसको खाना है। यम यम सुपर कांचा लंका।